हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी जामटिक। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज एग्जाम खत्म हो चुका है ईपीएफओ का। और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे लगातार कि कितना कट ऑफ जाएगा और यहाँ पे कितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं, उसके बारे में भी मैं वोटिंग दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वोटिंग भी किया है, तो इस वीडियो में जानेंगे आखिर कितना जाएगा कट ऑफ, क्या रह सकता है, ठीक है, कितना सेफ स्कोर रहेगा, इस बारे में जानेंगे। तो वीडियो क्लास से जुड़ देखिएगा, इसका ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी ये भी जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है कि जो इस बार पेपर आया है वह बिल्कुल ही जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया था। मतलब जहाँ से इसका तो सिलेबस पहले से भी मेंशन नहीं था कि कहाँ से किस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाएगा, यहाँ पे जो पॉलिटी से था क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन नाम मात्र का दिया था, और यहाँ पे अकाउंटेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। तो इस प्रकार से चेंजिंग किया गया था नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से ज़्यादा पूछना है, इसके बारे में पहले भी मेंशन नहीं था। इस कारण से यहाँ पे ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वाला की तैयारी करने वाला बंदा ही केवल इस एग्ज़ाम को निकाल सकता था, क्योंकि यूपीएससी वाला बंदा केवल पॉलिटी को बढ़िया से पढ़ा होगा, लेकिन पॉलिटी यहाँ पे नाम मात्र पूछा गया था, ठीक है। तो यह चेंजेस देखने को मिला है यूपीएफओ के एग्जामिनेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जब वोटिंग मैंने कराया है, वोटिंग के द्वारा क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने पूछा है स्टूडेंट से कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर लड़के ऐसे हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्होंने जो है 110 से 120 मतलब टोटल इन्होंने क्वेश्चन करके आया है। तो इस पर दोस्तों ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स टोटल क्वेश्चन करके आए होंगे इनका तो निश्चित तौर से यहाँ पे 10 से 20 क्वेश्चन मैक्स मतलब मिनिमम गलत होने वाला है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट 100% एक्यूरेसी के साथ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 120 करके आए होंगे या फिर 110 करके आए होंगे, उनके निश्चित तौर से कम 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी गलत हो सकता है। और यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग था, तो इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोस्तों कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि यदि आप 70 से 80 क्वेश्चन सेव कर ले जाते हैं सही, तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो यदि आप उसको जो है यहाँ पे उस नियम को लागू करने की कोशिश किए होंगे आपने, तो आप यहाँ पर सफल दिखाई दिए होंगे। क्योंकि यहाँ पे यदि आपने 70 से 80 क्वेश्चन सही किया होगा दोस्तों, मतलब एकदम सही, मतलब 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस 95% बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इनको ध्यान देने की आपकी आवश्यकता ही नहीं है, जो ऐसे कह रहे हैं कि 120 क्वेश्चन किए हैं, 110 क्वेश्चन किए हैं, इनके निश्चित तौर से माइनस मार्किंग होने के बाद अच्छे खासे यहाँ पे निगेटिव होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया था। तो मेरा वही है एक्सपेक्टेड कि यदि आपके 70 से 80 के बीच में सही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 70 से 80 के बीच में यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप यहाँ पर हो सकता है इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाएँ, ठीक है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के सर्वे के द्वारा ही पता चल रहा है, अब जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।